आज आप हमारे साथ जानेंगे 5,000 रुपए में सॉलिड चलने वाले बिजनेस। गरीब आदमी बहुत मुश्किल से 5,000 रुपए जुटा पाएगा, उसमें से उसे यही शंका लगी रहेगी कि बिजनेस ना चला और ये रकम डूब गई तब क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो शुरू में थोड़ा बहुत झटका देंगे, लेकिन वो बिजनेस आपको निराश नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ खास ट्रिक अपनानी होगी। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो 3,000 से 5,000 में शुरू हो सकते हैं, तो आपको केवल 3,000 रुपए खर्च करने चाहिए और 2,000 रुपए बचाकर रखने चाहिए। जब 3,000 रुपए का रोटेशन सही हो जाए और लगे कि आपको और पूंजी की जरूरत है, बिजनेस को लेकर शंकाएं समाप्त हो गई हैं, तो अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए बचे 2,000 रुपए में थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए। इस तरह से आपका बिजनेस 5,000 रुपए में स्थापित हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब जानते हैं कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो 5,000 रुपए में शुरू किए जा सकते हैं। फास्ट फूड स्टॉल। शुरू शुरू में आप बहुत ही छोटे पैमाने पर अपना बिजनेस शुरू करें। जितने कम से कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू हो सके उतने में करें। फास्ट फूड का बिजनेस स्कूल के पास मार्केट में किया जा सकता है, इसको ठेले पर किया जा सकता है, फेरी लगाकर भी किया जा सकता है, सड़क के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर भी किया जा सकता है। इसमें आप अपने इलाके के लोगों की मनपसंद खाने की चीज़ें बना सकते हैं। चने की चाट, ब्रेड पकौड़ा, मैगी मसाला, पूरी सब्जी, रायता, समोसा, चाउमीन, बड़ा पाव, इडली सांभर, गोलगप्पे आदि का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये सारे काम 5,000 से कम में शुरू हो सकते हैं। पापड़ अचार वड़ी। ये एक ऐसा बिजनेस है जो घर से ही शुरू किया जा सकता है। इस काम के लिए आपको ना तो किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है और ना ही एक मुश्त 5,000 रुपए खर्च करने की। घर की महिलाएं ही अचार पापड़ बड़ी तैयार कर सकती हैं। इनको अपने शहर की दुकानों में आसानी से बेचा जा सकता है। इसके अलावा आसपास की मार्केट में भी इन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। सब्जी और फल। सब्जी और फल ऐसी चीजें हैं जिनको प्रत्येक घर के लोगों की जरूरतें होती हैं। आप थोक मंडी में सामान लाकर उन कॉलोनीज में बेचें जहां से थोक सब्जी मंडी या फल मंडी काफी दूर हो। उन कॉलोनीज में नौकरी पेशा वाले लोग अधिक रहते हों। ताजी सब्जियां और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, साथ ही साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको भी अपनी खुद की साफ सफाई रखनी होगी। आजकल कोरोना काल है तो आपको मास्क अवश्य लगाना चाहिए। टी स्टॉल। बाजार के कोने में आप छोटी सी जगह में एक छोटा सा टी स्टॉल खोलें, अच्छी क्वालिटी की अच्छे फ्लेवर वाली चाय बनाएं, तो आपकी चाय की डिमांड दूर दूर तक होगी। अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए घर के सदस्य की सहायता भी ले सकते हैं, जो बाजार से ऑर्डर लेकर थर्मस से चाय की सप्लाई कर सके। चाय की दुकान सुबह सुबह से ही चलने लगती है। आपको दुकान खोलने के समय का ध्यान रखना होगा। ग्राहक की डिमांड के अनुसार समय पर आपकी दुकान खुल जानी चाहिए। इसके अलावा जब मार्केट खुलती है तब भी सुबह सुबह एक राउंड चाय का जल्द ही दुकानों में चला जाता है। उसके बाद दोपहर और शाम तक दो दो राउंड भी चाय के लग जाते हैं, तथा मेहमान आने पर चाय कितनी बार हो जाए उनकी तो गिनती ही नहीं है। इस तरह की डिमांड आती है तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल जाएगा, काफी मुनाफा भी होगा। ये काम 5,000 रुपए से कम में ही चल जाएगा। वाटर सप्लाई। फैक्ट्री कारखानों के दूषित पदार्थों के बहने के कारण जमीन से निकलने वाला पानी पीने योग्य नहीं रहता। अनेक शहरों में तो स्वास्थ्य विभाग ने जमीन से निकलने वाले पानी के पीने पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसी स्थिति में बिस्लरी वाटर के नाम से बड़ी पानी की बोतल की सप्लाई का बिजनेस भी फायदे का सौदा है। वाटर प्लांट से मात्र 10 से 20 रुपए में मिलने वाली 20 लीटर की बोतल 40 से 50 रुपए में आसानी से बिक जाती है। इसके लिए आपको नजदीकी वाटर प्लांट मालिक से संपर्क करना होगा और रेट तय करके पानी की सप्लाई शुरू करनी होगी। शुरू शुरू में ये काम आप माल ढोने वाले रिक्शे से भी कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।